साहस और उत्साह के साथ सैनिक की वर्दी धारण करने का संकल्प लिया। अर्धसैनिक बल में भर्ती होने की परीक्षा भी पास की। कैरियर बनाने की उम्मीद जगी लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 55,000 में से 5,210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आंदोलन किया पर किसी ने सुना नहीं। मजबूर होकर अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने पैदल ही दिल्ली के लिए मार्च लेकर निकल चुके हैं युवा। यही कहना है इन अभ्यर्थियों का कि अगर वर्दी नहीं मिली तो मर जाएंगे पर घर नहीं जाएंगे। वर्दी दो या फिर हमारी अर्थी लो। विशाल लांगड़े कहते हैं कि 35 दिन हो गए हैं पैदल चलते चलते, 700 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और आगे भी पैदल यात्रा जारी रहेगी जो नागपुर से दिल्ली के लिए निकली है। ग्वालियर में युवराज खरे ने इस पैदल मार्च की अगवानी की। आपको बता दें कि SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 21 मई 2018 को अर्धसैनिक बल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। विज्ञापन में भर्ती की संख्या 54,000 थी जो बाद में 60,210 कर दी गई। CRPF, BSF, NIA और असम राइफल्स के लिए जवानों की भर्ती करनी थी। 11 फरवरी से 25 मार्च 2019 तक लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा के परिणाम भी जारी हुए। 13 अगस्त से 25 सितंबर 2019 तक शारीरिक दक्षता, तो 9 जनवरी से 13 फरवरी 2020 तक मेडिकल की जांच की गई। अंतिम चयन 21 जनवरी 2021 को जारी की गई। इस सूची के अनुसार 35,000 अभ्यर्थियों को ही नियुक्तियां दी गई, 5,210 को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। वहीं जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला उन युवाओं ने इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदार ठहराया। नियुक्ति पत्र से वंचित युवाओं ने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके अपनी पीड़ा सुनाई, पर जब किसी ने नहीं सुनी तो वो सत्याग्रह के मार्ग पर चल पड़े। अर्धसैनिक बल में नियुक्ति की मांग को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर से पैदल चलते हुए लगभग 100 युवक युवतियों का जत्था दिल्ली जा रहा है। जगह जगह समाज सेवी संगठन मदद कर रहे हैं। पैदल चलने की वजह से कुछ युवकों ने घबराहट होने तक की शिकायत की है। डिहाइड्रेशन के चलते युवक और युवतियां बीमार भी हो रहे हैं, कई बार भर्ती कराना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का कुछ भी समझ में नहीं आता। एक तरफ सेना में भर्ती का ढिंढोरा पीट रही है पर जो भर्ती के लिए चुने गए हैं उनकी तरफ अभी तक देखा भी नहीं जा रहा। फिलहाल ये पैदल मार्च मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर तक पहुंच चुका है। यहां देश की बात फाउंडेशन के राज्य समन्वयक युवराज खरे ने ग्वालियर में इस दल का स्वागत किया और सभी के रुकने की और भोजन की भी व्यवस्था कराई। देश की बात फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर संतोष सरावगी ने दतिया में पैदल मार्च का स्वागत और अगुवाई की और पूरे दल को जैरासी तक लेकर आए। स्टेट कोऑर्डिनेटर सोमेश भटोले सुमित शर्मा के द्वारा मुरैना में स्वागत किया जाएगा और धौलपुर तक अगुवाई करेंगे। आपको बताते चले कि इन आंदोलनकारियों का कोई नेतृत्वकर्ता संगठन नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपस में संपर्क साधा तो आंदोलन में 40 अभ्यर्थी शामिल हुए। श्रृंखलाबद्ध हड़ताल की शुरुआत हुई। नागपुर के संविधान चौक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास कई मोर्चे पहुंचे, मगर जब शासन और प्रशासन का ध्यान खींचने में नाकामयाब रहे तो 4 मार्च से नागपुर में अभ्यर्थियों ने आमरण हड़ताल शुरू कर दी। जल्द ही आंदोलन में 235 अभ्यर्थी शामिल हो गए, जिनमें 40 युवक तो 195 युवतियां शामिल थी जो कि अलग अलग राज्यों से, जिनमें 40 ओडिशा, 25 बिहार, 12 झारखंड से, 55 पश्चिम बंगाल से, तो 18 अभ्यर्थी असम से, 12 गुजरात, 6 छत्तीसगढ़ से, 22 उत्तर प्रदेश से, तो 7 दिल्ली से अभ्यर्थी शामिल है। वहीं उत्तराखंड से 4, पंजाब से भी 4 और महाराष्ट्र से 30 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हम लोग भारत देश को बचाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। भारत देश को जलाने के लिए पैदल मार्च नहीं निकाल रहे हैं। सरकार जलाने वालों की बात जरूर मानती है, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोग शांति से संविधान तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग की बात अब तक मान नहीं रही है सरकार। हम लोग की आखिर गलती क्या है? हम लोग फौज किए जाना चाहते हैं, फौज का रूल हम लोग समझते, इसी कारण आज हम लोग मिलते हैं और आगे भी रहते हैं। हम लोग डिसिप्लिन ही मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग फौज कर रहे हैं। हम लोग का बचपन से सपना है वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम लोग लड़ाई वैसे ही चालू रहेगी। और आज 665 किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर रहे हैं। आपको बता होगा 665 किलोमीटर का सफर, वो भी अपने लगेज के साथ। यहाँ पर 10 किलोमीटर चलने के बाद अपना लगेज हम लोग छोड़ देते हैं। जय हिंद सभी साथियों को, मेरा नाम निशा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आज हमारा पैदल मार्च का 36वां दिन चल रहा है और ग्वालियर से हम लोग बामे नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर। और सभी साथियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी घर पर बैठे हैं प्लीज़ आप लोग आ जाइए पैदल मार्च में,
और सरकार से यही विनती है कि सर जल्द से जल्द हमारा जो पैदल मार्च है वो हमें जॉब दे के अब इस पैदल मार्च को खत्म